धरियावद राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने आज धरियावद से भाजपा प्रत्याशी कन्हैयालाल मीणा के समर्थन में मुंगाना में जनसभा को संबोधित कर प्रदेश की कांग्रेस सरकार के कुशासन एवं भ्रष्टाचार पर जमकर प्रहार करते हुए इसे एक जड़ मूल से उखाड़ने हेतु उपस्थित जनसमूह से आह्वान किया। भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा मीडिया संयोजक राकेश बिरवाल ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने आज विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी कन्हैयालाल मीणा के समर्थन में धरियावद विधानसभा के मुंगाना में जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री राजे ने प्रदेश कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने हमेशा झूठ बोलने का काम किया है। 2018 के विधानसभा चुनाव में जनता से झूठे वादे कर सत्ता हासिल की और उन वादों को आज दिन तक पूरा नहीं किया गया। कांग्रेस सरकार के झूठे वादों ने किसानों और युवाओं की कमर तोड़ दी। और उस समय प्रत्याशी स्वर्गीय पिताजी गोविंद जी मीणा थे और आपने उस समय इस जनता को जो विश्वास दिलाया उसकी बदौलत उस समय एक ऐतिहासिक 24,000 वोटों की जीत इस विधानसभा में आप सब मतदाताओं ने स्वर्गीय विधायक मोदी को दी थी। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य था कि उस समय इन कांग्रेस के झूठे वादों के दम पर ये सत्ता में कांग्रेस ही आ गए। इस वजह से उस समय हमारे जो सपने थे और जो काम थे बाकी वो काम इस पूरे 5 वर्ष से अधूरे रहे। लेकिन ये मौका आज फिर लौट कर आया है इस मुंगाना में और इस दरिया विधानसभा के लिए। आदरणीय वसुंधरा जी को मैं निवेदन करूंगी, इन्होंने इस कांग्रेस की जो काम की मैं रफ्तार बताऊ, आपने 2018 में लसारिया में राजकीय महाविद्यालय का आपने स्वीकृति दी और उसका शिलान्यास आपने किया। लेकिन पूरे 5 वर्ष बीत गए ये कांग्रेस उसका उद्घाटन तक नहीं कर पाया और आज भी वो बिल्डिंग ऐसी पड़ी है और मुझे लगता है फिर से आपके हाथों तो उसका उद्घाटन होगा। इस प्रकार का विकास यहाँ कांग्रेस ने किया है। इस पूरे क्षेत्र में सिर्फ झूठे वादों के दम पर ये उपचुनाव जीते। उपचुनाव में इन्होंने पूरे इस क्षेत्र में झूठे झूठे वादे किए और इस जुड़ा नहीं, परंतु झूठ बोलने का काम ये कांग्रेस आराम से करती है। दो काम में माहिर है, भ्रष्टाचार और झूठ। या आप लोग सब बैठे हो के साथ होते, आप लोगों से मेरे को पूछना है कि बिजली मिल रही है क्या आपको? इन्होंने ये कह दिया है, अपना वादा है कि 24 घंटे बिजली हम अपने किसान और अपने घर बार को देने का काम हम करेंगे। 24 घंटे बिजली मिल रही है तो क्या? अरे उन्हें वादा किया, उस वादा को पूरा किया? आज मेरे को जो मालूम है 18-18 घंटे के अंदर 18-18 बार आपकी बिजली जाती है और आती है। आपने कह दिया कि आई नहीं, जब आई नहीं तो ये 100 यूनिट जो आपको फ्री दे रहे हैं तो 100 यूनिट फ्री का मतलब ही क्या जब बिजली ही नहीं आ रही? 32 घंटे के अंदर हम लोग आपको ट्रांसफॉर्मर बिठा के देते थे। आज कहते हैं 32 घंटे में देंगे, परंतु 72 दिन तक इस ट्रांसफॉर्मर की शक्ल अगर किसी ने देखी है तो मेरे को बता दो। बिजली का सरचार्ज अलग से लगा हुआ है, आपके जेब से पैसे निकाले जा रहे हैं, आपको मालूम नहीं पड़ रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू चुके हैं। आज पंजाब और हरियाणा से पेट्रोल लाके लोग यहाँ राजस्थान के अंदर बेच रहे हैं क्योंकि इतने भारी भारी पैसे बेचारे गरीब लोग वहन नहीं कर सक रहे हैं। वादा किया था कि हम माताएं बहनों को पूरी तरह से सुरक्षित रखने का काम करेंगे, पर आप लोग सब जानती हो ना माताएं बहनें, जब बच्ची स्कूल जाती है तो दिल कैसा धड़कता है कि वापस आएगी कि नहीं, कहां गई, इतना देर क्यों हो गया, डर लगता है जब तक वो घर नहीं आती। आज ये स्थिति हो गई है कि महिलाओं के साथ जिस किस्म के अत्याचार हो रहे हैं, रोज हो रहे हैं, पूरे राजस्थान के अंदर हो रहे हैं। और आज महिला अत्याचार में शर्म की बात है कि राजस्थान पूरे देश के अंदर नंबर एक हो गया इस कांग्रेस की राज में। भ्रष्टाचार, यहाँ गरीब लोग जाते हैं, अगर आप ऑफिस में जाओगे, आप नामांतरण कराना चाहोगे, आप छोटे छोटे नकल लेना चाहोगे, आप छोटे कागज लेने की कोशिश करोगे, तो क्या आप बिना पैसे दिए हुए ले सकते हो? ले सकते हो? छोटे छोटे चीज के लिए भी पैसे मांगने का काम करेंगे, क्योंकि कांग्रेस जो है ना, जैसे पानी के बिना मत